हाय एवरीवन, थ्रीज किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, जो कि झटपट रेडी हो जाती है। और इसका टेस्ट बिल्कुल जो बाहर की पाव भाजी होती है वैसा ही रहेगा। तो चलिए पाव भाजी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें अब आप ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़े आलू, एक गाजर और एक शिमला मिर्च लिया, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है। आलू कच्चा लिया है मैंने। और अब इसमें हम 1/3 कप हरी मटर ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे ढककर 3 से 4 विसल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने विसल हाई फ्लेम पर ली है, 2 विसल लो फ्लेम। तो जिस दौरान में सब्ज़ी बॉईल हो रही है उस दौरान में मैंने चॉपिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ी प्याज कट की है, 3 टमाटर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च को कट कर लिया है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 कप धनिया पत्ती कट करके रखी है धोकर। सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ लेमन जूस, और थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला ऐड करेंगे, और कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड करना रहेगा। तो चलिए अब हम पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कढ़ाई रखी है, उसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे। बटर हम बाद में ऐड करेंगे। इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर देना है, इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। हरी मिर्च भी ऐड कर दिया है मैंने, कुछ देर पका लेंगे इसे भी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, 1 मिनट इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे हम। टमाटर ऐड कर देना है, अब अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर देना है, 2 टीस्पून पाव भाजी का मसाला ऐड करना है, और 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड कर दी मैंने। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो इस 2 मिनट के टाइम में हम देख लेते हैं सब्जियों को प्रेशर कुकर में, जो हमने बॉईल करने के लिए रखी थी। तो ये एयर खुद से ही रिलीज़ हो गई है, तभी हमें इसका लिड ओपन करना है। तो देखिए सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, इसे मैश कर लेना है। आप स्पून की मदद से या फिर मैशर की मदद से इसे मैश कर लीजिए, ये स्पून की मदद से भी अच्छे से मैश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये अच्छे से मैश हो चुकी है यहाँ पर हमारी सब्जियाँ। तो 2 मिनट के बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और मसाले भी पक चुके हैं अच्छे से। इसमें अब हम बटर, अमूल बटर ऐड कर देंगे, और इसे जो हमने मैश करके सब्ज़ी रखी है वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल के ऐड कर दे रही हूँ। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। तो इसमें और पानी की ज़रूरत थी, मैंने 1/2 गिलास पानी और ऐड कर दिया था, और इसमें अब हाफ लेमन जूस भी ऐड कर देना है। मिक्स कर लेना एक मरतबा। हाफ टी स्पून मैं इसमें पाव भाजी का मसाला और ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम एक बॉयल आने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बॉईल आ चुका है भाजी में, तो भाजी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसे गैस पर से हटा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक तवा गरम कर लिया, इस पर 1 टीस्पून बटर ऐड किया, इसे स्प्रेड कर दिया है। अब इस पर हम 1/4 टीस्पून के करीब पाव भाजी का मसाला ऐड करेंगे, और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, और पाव को हम इसमें अच्छे से लपेट देंगे, सेक देंगे इस मसाले पर। इसे पलटते हुए हम अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से पाव भाजी खाने का मज़ा बढ़ जाता है, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स देखिए ये पाव भी हमारी अच्छे से सीख चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पर देखिए पाव भाजी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसे मैंने इस तरह से सर्व कर लिया है, और यहाँ पर मैंने टमाटर को इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है, और थोड़ी सी प्याज कट कर ली है। इस पर थोड़ा सा बटर ऐड कर देना है और इसे इंजॉय करना है। तो फ्रेंड्स आप भी प्रेशर कुकर में पाव भाजी बना कर देखें, बहुत ही अच्छी बनती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।